क्योंकि आप लोग घर बैठ के वीडियो देख रहे हो सही। ये 500 किलोमीटर 48 डिग्री टेम्परेचर में आए हैं, जहाँ गाड़ी चलती है तो टायर फटने की भी गारंटी नहीं है, इतनी गर्मी है टायर भी रोक के ठंडे करने पड़ते हैं। सही है। तो ये किस लिए है, ये आप जैसे व्यूअर भाई हैं, देखने वाले हैं, उनके लिए कर रहे हैं सही। तो मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज को थोड़ा गहन विचार करना कि ये इतनी दूर आए हैं तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है, और अच्छा वीडियो को दबा के शेयर करना आपकी एक मिनट इनकी लाइफ बना सकती है। सही है। और उसी डॉक्टर के हाथ से बनवाई जिसने मेरी भैंस पिछले साल हराई थी, ये कह के कि एक और एज भैंस आप लेके आ गए मिले में, आपकी भैंस में कोई क्वालिटी नहीं है। सही है। उस चक्कर में भैंस मैंने फुल खिलाया, भैंस की अच्छी जो मेंटेनेंस रखी शरीर की, भैंस ज्यादा तैयार होगी, दूध की प्रोडक्शन पे उतना जोर नहीं दे रही, जैसे जैसे शरीर घट रहा है दूध बढ़ रही है। तो आज मैं अपने पशुधन पे हाथ रख के चीज बोल रहा हूँ, इस चीज की आप लोग वैल्यू समझते हो तो समझ लेना, मेरा घर इसी से चलता है। मैंने पिछले साल दूध जो तोला था वो ईमानदारी का तोला था, अपने दीन ईमान वाली बात है, आज तोलूंगा वो ईमानदारी से तोलूंगा, और बेईमान हूंगा ना तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा, ये पक्की बात है। रिकॉर्ड टूटा तो मैं हर चीज करने को तैयार हूँ, टिक्के भी लगाने को तैयार हूँ, लेकिन जिस दिन भैंस 30 प्लस अपनी मर्जी से चलेगी, चाहे वो 2025 का साल हो, 26 का हो, 27 का हो। नमस्कार पशुपालक भाइयों, तो पशुपालक भाइयों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों आज हम हरियाणा आए हैं और मंजीत भैया के फार्म पे आए हैं, तो आज आपको दिखाएंगे पशुपालन के क्षेत्र में काफी सारा इनको नॉलेज है और किस प्रकार से ये पशुपालन को संभाल रहे हैं और कितना दूध देने वाली इनके पास में भैंस है, कम है पर बहुत ही अच्छी अच्छी है, किस प्रकार से ब्रीडिंग का काम किया जाता है। तो आज इनसे पूरा नॉलेज लेके हम पशुपालन के क्षेत्र में जो भी नॉलेज हमको पता नहीं है वो सारा नॉलेज आज इनसे लेंगे। तो जानते हैं भैया से इनका एड्रेस। नमस्कार भैया। नमस्कार। सबसे पहले तो प्रियंका जी आप इतने दूर से यहाँ पे विजिट किया, आपका बड़ा धन्यवाद, और जितने मेरे पशु प्रेमी भाई वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम। तो भैया एक बार बता दीजिए अपने पास में अभी टोटल कितने पशु है। टोटल नहीं जी, अपने पास वैसे एक ही पशु है जो जिसपे हम अपने मतलब ईमान से कह सकते हैं कि हमारे पास तो ही पशुधन है वो ये है, वैसे बिक्री का काम है, और जो आप शब्द यूज कर रहे हो ब्रीडर वो मेरे हिसाब से अभी मैं बढ़ा नहीं, अभी मेरे को टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो महस मेरे पास आई है और इससे बच्चे लिए हैं, जब इसके बच्चों के बच्चे ले लेंगे उस दिन हम ब्रीडर हो जाएंगे। अभी तो जिस किसान से खरीदती है असली ब्रीडर मेरे गांव का एक भाई है वो है। हाँ, बाकी बिक्री का काम है अपना, पशुधन बेचने के आते हर साल, मान लो पीछे भी इससे पहले भी एक भैंस रखी थी, स्टार्टिंग हमने की थी लगभग 18-16 किलो दूध की भैंसे देखी थी, वहां से बढ़ते बढ़ते जैसे अच्छे पशु आते गए, आगे 20 किलो की आ गई तो 18 वाली बेच दी, वो रखी साल डेढ़ साल, फिर उसके बाद उससे अच्छे आई 24 वाली आई तो 20 वाली बेच दी, ऐसे करते करते परमात्मा ने हमें ये दिन दिया, ये पशु दिया जो 28 किलो 66 ग्राम का इसने रिकॉर्ड करवाया। तो और उसका रिकॉर्ड हुआ था दूसरे बात में अपने घर ही रिकॉर्ड करवाया था लाइव का, क्योंकि उस टाइम पे मेले थे, मेले आज भी हैं, और मेले के रिकॉर्ड है वो मानते भी हम, मेले के रिकॉर्ड ओरिजिनल होते हैं, लेकिन पिछले 4-5 साल से नहीं है जो रियलिटी, क्योंकि गलत तरीके से दूध तुलता है, और आम पशुपालक अगर मान लो हम अपने आप को अगर नॉर्मल दाने पे दूध लेते हैं तो हम अपने आप को आज भी आम ही मानते हैं, लोग माने खास सोशल मीडिया वाले भाई है पशु रखता है, नहीं हम आज भी आम ही है, क्योंकि अगर ईमानदारी की लड़ाई होती है वहाँ हमारा कोई उठाव नहीं है। सही। हम 28 किलो दूध की भैंस वहाँ लेके जाते, पड़ोस वाला लगा कि टीका वो 32-33 पे चल रहा है, घर से भैंस खुल के गई, ये स्ट्रेस में जाए 50,000-60,000 का खर्चा करे और घर वापसी हार के घुसे 1,00,000 रुपए लगा के घुसे, तो इस करके आपा ने घर ही चुवाई दिखाई थी, और अभी इसने तीसरी बार बच्चा दे रखा है, और इस बार भैंस उस दूध की जो प्रोग्रेस है वो नहीं दिखा रही, क्योंकि आप भी देख रहे हो 48 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन ये है कि जितने पब्लिक जो आपके जरिए मेरे को देख रही है, विश्वास रखना हम थोड़ा समय लेंगे लेकिन आएंगे जरूर, मैं इसको हम सेट कर रहे हैं अपने हिसाब से और दूध भी तुलवाएंगे, ब्रीडर बनेंगे उस दिन भी हम ये कहेंगे खुल के की ब्रीडिंग क्या होती है, लोगों की तरह नहीं पशु खरीद लिए बेच दिया किसी महस का कटड़ा ले आए ब्रीडर बन गया, नहीं आज ये है इससे बच्चा नहीं रखा है, पिछली बार का जो भाई गांव से ली थी खरीदी थी ताजी में 6 दिन की, तो
तो 6 दिन के हिसाब से मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ, तो ये चीज मेरी ब्रीडिंग की हो सकती है क्योंकि मैंने 6 दिन का अपने हाथ से तैयार किया है। और इस कटड़े के बच्चे अगर आगे लेके मैं दूध दिखाने में सक्षम होता हूँ तो फिर मैं ब्रीडर बन जाऊंगा। ब्रीडर बन जाओगे। मदर का दूध का रिकॉर्ड भी अच्छा है और भैया का चैनल है तो आप सभी लोग तो जानते होंगे, 1 मिलियन के सब्सक्राइबर है। मंजीत यादव और यादव डेयरी फार्म के नाम से, और भैंस का नाम है करिश्मा। इसका सारा रिकॉर्ड आप देख रहे हो, नाम करिश्मा, सेकंड टाइमर मिल्किंग 28.66 kg मिल्क रिकॉर्ड लाइव हुआ है इसका। हरियाणा स्टेट छत्तीसवीं पशुधन प्रदर्शनी 2024 की मेला चैंपियन करिश्मा मुर्रा भैंस है और इसका ये कटड़ा है भैया बता रहे। ये कितने महीने का है? 17 महीने और 20 दिन का हो गया जी। आज 17 महीने ठीक है। और गवर्नमेंट HLDB का PC 572 का एक कटड़ा है और वो भी DNA करवाने के बाद ही मानेंगे। बाकी एक चीज है, DNA इसलिए बोल रहा हूँ भाई, DNA कर करके कई भाइयों का गला सूख जाता है। DNA करवाना औखा काम है। पशुपालक वो सटरा लेने जाता है ना तो 200-300 रुपए के सीमन को महंगा बताता है, वो भाई 4,500 रुपए लगा के DNA नहीं करवा सकता। DNA तो करवाने वाले करवाएंगे भाई, मेरे जैसे कोई बेवकूफ होगा ना वो करवाएगा घर से पैसे लगा के अगले की जात उतारने के लिए। नहीं तो DNA 200 रुपए का सीमन है ना, फिर भी जो किसान है वो ये पुकारता है कि भाई थोड़ा और डाउन दे दो, नहीं तो वो तो, मतलब आज कई भाई 700 के भी सीमन बिके हैं, 500 के भी सीमन बेचने का रियलिटी ये है कि लोग 500 रुपए का सीमन लगवाने की बजाय 50 रुपए का लगवा के और फिर ब्रीड चाहते हैं वो कभी नहीं हासिल होगा। सीमन वाला 1,000 रुपए का सीमन बेच ले एक सटरा, किसान नहीं मरेगा नहीं। लेकिन उसमें डुप्लीकेट सी दे दी तो किसान नहीं बचेगा, चाहे भगवान ऊपर से उतर गया ले, तो मरना वही है। और आप देख रहे हो ये कटड़ा बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है, हाइट लेंथ में भी अच्छा है। तो एक बार इसकी डाइट जानते हैं कैसे क्या इसको तैयार किया आपने? डाइट कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है जी। जो भाई ये कहता हो कि हम मान लो भाई बच्चे तैयार करने के लिए हम दूध पिलाते हैं 5 किलो टाइम का, तो वो सिस्टम नहीं है मेरे हिसाब से। हमने इसको 1-1 किलो दूध पिलाया है और इसको वैसे किसी प्रोडक्ट की ऐड हो जाएगी, मैं नाम लूंगा तो फिर आपके चैनल पे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि जो अच्छा है एक ग्रोथ पाउडर आता है अपने मित्र है जिसमें ऐड भी दे रखी है योगेश पंसारी के नाम से। हाँ। इनके यहाँ से और इनके यहाँ से जेल आती है। अच्छा। कोई भी भाई एक साइज में बांध के अपना बच्चा तैयार कर ले, दिन में 5 किलो दूध पिला के 1-1 किलो दूध में दोनों टाइम 50-50 ग्राम पाउडर दे दे और 50-50 ग्राम जेल दे दे, दूध में मिक्स के पिला दो, कहीं बांध दियो उसकी नस नस में खून ही पैदा होगा, जब अंदर जाएगी तो हड्डी नहीं बनेगी उसमें मांस ही पैदा होगा सारा। इसकी ग्रोथ देख लो जिसमें 3 महीने बीच में, सब भाइयों को पता है, वीडियो भी डाली थी, ये मौत के मुंह से वापस आया है। इसका ऑपरेशन हुआ था और उसके कारण इसने 3 महीने ना सूखा खाया ना कुछ, इंजेक्शन से भर भर के दूध इसके मुंह में डाल के और फिर इसका जीवन वापस आया है, क्योंकि अच्छी चीज और अच्छा इंसान कम टाइम रुकता है, कम मेहनत ज्यादा होती है। अब कई भाई आपकी वीडियो पे कॉमेंट करने वाले मिलेंगे कि लाइव मिल्किंग कब करवा रहे हो भाई, कोई बाबा का प्रसाद तो है नहीं, जब मन गया थैली बांध दी और दे दी। पशु सेटिंग पे बात है, वो लेवा देख लो पिछले साल का वीडियो में ऊपर फोटो में, और अब का लेवा देख लो, मैं में वो जोश नहीं है ना वो लेवा है, लेकिन फिर भी हम ये दावा करते हैं कि पिछले साल के दूध से हम मरेंगे नहीं, मरेंगे भाई मेहनत करेंगे। सही है भाई, पिछले साल हमने मजाक में तोल दिया, इस बार हमारी ये जी तोड़ मेहनत लेगी, लेकिन हम लगभग 28 किलो दूध के करीब इसको लेके जाएंगे, थोड़ी बारिश आए परमात्मा हमारा साथ दे। और रही बात एक दो पॉइंट और है, कई भाई ये कहते हैं भाई ये मेले में भैंस जीती थी, सिफारिश होगी, आज तक पूरे हरियाणा में बड़े बड़े ब्रीडर हुए हैं, पूरे भारत का इतिहास दोहरा देता हूँ, पहली बार कोई भैंस ऐसी है जो ड्राई 50 में ब्रीड चैंपियन बनी है, चाहे वो 24 का भी हो सकता है। सही ठीक है, तो वो समय हम परमात्मा से उम्मीद करते हैं हमें देगा। भैंस अच्छी मिली, लेकिन एक कलयुग में मिली। के दौर में अच्छी भैंस हाथ लगी, जहाँ सत्यापित करने के लिए रही मेले की बात, तो भाई बच्चों के लिए कमा रही है। सही है भैया, मेरे हिसाब से 8-16 लाख वाला हूँ, मैंने किसी के पास फोन नहीं किया होगा मेरी भैंस भाई, किसी डॉक्टर से सेटिंग, किसी मंत्री से सेटिंग, कुछ नहीं। सही है, ग्राउंड में पहले दिन मैच लेके गया, मैच ड्राइव में खुद अपनी मतलब फर्स्ट आई। सही, उसके बाद जैसे ही मिल्क ब्यूटी का रिंग हुआ, रिंग में धांधली हुई थी,
मिल्क ब्यूटी केयरिंग में धांधली जैसे हुई, जो भैंस फर्स्ट आई उसी टाइम मेरे दिल ने गवाही दे दी थी कि तेरी भैंस का मुकाबला भाई जो जोटा चैंपियन बनाया है मेले का, उन्होंने जो बेस्ट एनिमल ऑफ खुदा अवार्ड लेके गया है वो बुल है, वो भी फेल था। और बुल के ओनर ने भी ये माना आज भैंस के सामने मेरा बुल फेल हो रहा है, ठीक है। तो हमें बहुत लिया भाई और हम संतुष्ट हैं अपने जीवन से भाई। वो हर आदमी कमाई के लिए एक चीज है, गिनीज बुक में मेरे पिताजी का नाम आ जाए इस सोच पे लड़ रहे हैं, बाकी तो कल मरे तो आज मर जाए। अपना जीवन के पूरे संघर्ष करे, पूरी इनकम करे, पूरे परिवार मतलब कुशल मंगल हर चीज से आप संतुष्ट है, संतुष्ट। आज जो भाई बोल रहे थे 20 किलो नहीं देगी, आज पहली वीडियो ऐसी है, बहुत बार वीडियो भी बनी होंगी, मैंने ये कहा मैं दूध क्लोज रखता हूँ, आज मेरी भैंस में 25 किलो दूध तैयार है भाई, तैयार है। और 48 डिग्री टेम्परेचर पे अगर 25 किलो दे रही है तो आप मान लो दिसंबर के महीने में तो जैसे एयर कंडीशनर 16 के टेम्परेचर पे चलती है ना वो टाइम होता है, तो 4-5 किलो दूध हम आप आराम से कर सकते हैं, कर सकते हैं। सही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है भैया ने। और अभी आप देख सकते हो कटने वगैरह भी इन्होंने अच्छे तैयार किए। एक और झोटी है इनके पास में, वो झोटी बिक्री वाली है जी, आपकी वीडियो में मान लो दिखा देते हैं। वैसे ये बच्चा है कोहिनूर का भाई, 30 बार का चल रहा, थोड़ा इसके डिवॉर्मिंग वगैरह की है, लीवर में समस्या है, इतनी तैयारी नहीं है, संभाल भी नहीं रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई है भाई, कोई प्रोडक्ट दे के भी उठाएं तो पहले देखना पड़ता है। सही है, कोई नूर का गड्ढा है। अच्छा, ये आज हो गया, ये मानो आप लगभग लगभग 40-45 दिन का हो गया। तो ये रखवाया तो इसलिए था कि भाई कटड़ी आए लेकिन कटड़ा आ गया, ये क्या पता ही नहीं चाहती मस्जिद के घर हो करिश्मा पैदा हो और ही लोगों के घर पैदा करना चाहती है। सही है ना, हाँ सिमल पे कटड़े तो हो जाएंगे। ये धोटी पहले बैंक की है, खरीद के लेके आए, अब 5-4 मिनट और लेंगे, वीडियो आपकी लंबी होगी। पूरे हरियाणा में व्यापारी है भाई, कोई एक 100-100 भैंसों के फार्म होंगे, आप मेरे पास पशु ही कितने हैं इतने, तो उनके पास कटड़ू मिल जाएंगे, भैंसों के बच्चे डेड हो गए होंगे वैसे मिल जाएंगे। लेकिन एक बंदा सब व्यापारी किस कारण से है, हार की झोटी है, आज मैले भी लगी है, घाटी में आने से गर्मी है, पहले लग गई, आज 15+ चल रही है, मेरी सोच थोड़ी उल्टी है। अच्छा, लोग भैंस लेने निकलते हैं, आज बच्चा दिया 4 धार मारी भैंस खरीदनी नहीं, मेरी सोच ये है मैं चलो 15 किलो दूध से ऊपर की अच्छी ब्याई हुई, ताकि हम अगले को 1.5-2.5-3 लाख रुपए दे के अपने घर लेके आए, तो शाम को हमारे माता जी दूध निकाले, बच्चे दूध निकाले और बच्चे दूध पिए, ताकि हम 2 लाख लगा के और खीस निकाले और उसको हम फिर तालाब में डाल के आए कि भाई भगवान हमें इतना दूध देना। सही, 15 किलो से ऊपर की मैं चलो तैयार दूध की मैं चलो पैसे 20,000 महंगे देना। सो ये एक सिस्टम चल रहा है, आपकी 1-15 में 1-20 में 1.5 लाख में 20 किलो की गारंटी, कोई गारंटी नहीं भाई। जो डॉक्टर बंदे का ऑपरेशन करता है 50 लाख लेके गारंटी नहीं लेता है, वो भैंसे दूध देती नहीं। इसमें आज 15 तैयार है, कोई भी भाई हरियाणा छोड़ो आप, राजस्थान यूपी कहीं का भी ले जाए, ये 15 से नीचे तो दे ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो आज इसमें तैयार हो गया। हम आगे की अपेक्षा कर सकते हैं बढ़ेगी। तो जो भी पशु खरीद रहा है, यहाँ तो सुबह छुरी बना के रख देते हैं, सही है, जैसे बकरे वाला रखता है शाम को मीट बिकना है, सही है, तो व्यापारी की सुबह तेल लगा के मैंने उन्हें लाके खड़ी करती, सही है। मैं भी छोड़ने वाला नहीं, कोई आ गया तो तैयार हूँ, सही है। लेकिन मैं मार दूंगा ना तो भी बच जाएगा, क्योंकि दूध देगी। और वो जो कहते हैं देगी, वो कभी देती नहीं है। जो सामने जो देखते हैं वो 100 भैंस का फार्म है, उसकी कॉपी उठा के देख लियो, लॉस में मिलेगा वो, लॉस, ठीक है। पशुओं में फायदा क्या है, कपास जैसी कहती है किसी भी टाइम हम पैसे ले सकते हैं, समस्या ही दूध वाले से मांग लिए, सही है, पैसे से जो हमारे से ग्राहक दूध लेके जा रहे हैं उससे ले लिए, एक आध पशु बिक गया, काफ बिक गया, पैसे हैं, सही है। कोई ये सोचे भाई मैं कमा के ओढ़ चोटी कर लूंगा, नहीं हो सकती, ठीक है, परिवार चल जाएगा, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हर महीने फीस दे सकते हैं, परिवार अच्छा खा सकता है, पहन सकता है, ठीक है, इससे आगे नहीं है, जमा पूंजी नहीं है। व्यापार वाले हमारे जैसे तो कमा भी लेते हैं कोई 50,000 महीने में, सही है। लेकिन आज भैंस बांध ली और बाल्टी लेके बैठ गए, सही है, तो इतना है खेती में लगाते जाते हैं, हाँ। आने की आस नहीं, इसमें इकट्ठे ठोकते हैं तो धीरे धीरे आने लग जाते हैं। और बाकी परमात्मा के ऊपर है, सही, क्योंकि रईस घरों में ऐसे पैदा हुए जो सब कुछ बेच गए,
और गरीब घरों में ऐसा पैदा हुए जिन्होंने माँ बाप का नाम किया सही है। हाँ, तो सबसे पहला रेफरेंस पढ़ो और भाई फिर ना हो तो भैया तो तैयार ही कभी तैयार ही है ठीक है। और भाई पहली बार मेरे पास आया 5,000 फॉलोवर कम से कम होना चाहिए जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं इनके चैनल पे। बिल्कुल बिल्कुल, इनको पूरा प्रेम दो। बाकी और कुछ जानकारी लेनी हो तो आप ले सकते हो, यहाँ खुली किताब है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है भैया ने, और ज्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम यहीं पे एंड करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले फार्म पे एक आम पशुपालक भाई के पास में, और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय निकाल के हमारे चैनल पे आए।